डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन पेपर है उत्तराखंड गवर्नमेंट का, वन दरोगा यानी कि फॉरेस्ट इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए क्वेश्चन पेपर है ये हमारे पास, और इसमें 2 घंटे का समय है और 100 क्वेश्चन है और 100 ही मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर है हमारा। इसमें ये इंस्ट्रक्शन दे रखी है जो सभी पेपर्स में लगभग एक सी सी होती हैं, और इसमें फर्स्ट पार्ट में भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ देती हूँ। 2 लेंसेज ऑफ पावर +2D एंड +0.25D आर पुट इन कॉन्टेक्ट, व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। ये सब 12th और 10th टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, उसी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, तो इन्हें आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा प्राश्रव्य तरंगों का अनुप्रयोग नहीं है, एक्सरेज इसके ऊपर है ये, फिर फिल इन द ब्लैंक है, फिर आपका है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। इसी तरह से 5th क्वेश्चन, 6th है, 7th है, एक व्यक्ति 2 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित बिंबों को स्पष्ट नहीं देख सकता है, इस दोष का संशोधन उस लेंस के उपयोग द्वारा किया जा सकता है जिसकी क्षमता ये निकालनी है हमें। जनरल फिजिक्स के क्वेश्चन है, परावर्तन के द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड ओनली फॉर, ये बताने हैं आपको मिरर्स। ऐसे 9th क्वेश्चन है, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ, आप लोग पढ़ सकते हैं आसानी से इसको। 10th क्वेश्चन आ गया ये, फिर 11th है, 12th है, मनुष्य के कान का कौन सा भाग दबाव कंपनों को विद्युत संकेतों में बदलता है, 13th, फिर 14th आ गया, 15th है, 16th है, जिस प्रकाश किरण नेत्र में प्रवेश करती है तो अधिकतम अपवर्तन कहाँ होता है, रिफ्रैक्शन का क्वेश्चन है ये, फिर 17th, 18th, 19th है, 20th है, एक क्रेन 50 किलोग्राम द्रव्यमान को 20 सेकंड में 20 मीटर ऊपर उठा देती है, उसकी शक्ति होगी उस कितने वाट की वो क्रेन है, ये निकालना है हमें। फिर ये 21st क्वेश्चन है, किसी कण की चाल समय ग्राफ चित्र में दर्शाया गया, कण द्वारा 10 सेंटीमीटर में तय की गई, 10 सेकंड में तय की गई दूरी निकालनी है। फिर घरेलू विद्युत बल्ब जो हम घरों में यूज़ करते हैं, जिस पर 100 वॉट 220 वोल्ट अंकित होता है का प्रतिरोध होता है, तेईसवा क्वेश्चन आ गया ये, फिर ये और क्वेश्चंस हैं, थ्योरेटिकल फिजिक्स के ही क्वेश्चंस हैं ये, 27th, 28th है, 10 जूल कार्य करने, कार्य किसके बराबर है ये बताना है हमें से, 30th क्वेश्चन, इसमें आप आसानी से पढ़ सकते हैं, मैं बहुत धीरे धीरे इसको आगे स्क्रॉल कर रही हूँ। फिर अब हमारे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आ जाते हैं, 33 तो हमारे फिजिक्स के हैं, अब केमिस्ट्री क्वेश्चन आ जाते हैं, दी केमिकल फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज, 10th 12th लेवल के हैं, घरों में खाना बनाने के प्रयोग में होने वाले सिलेंडरों में उपस्थित गैस का नाम बताना है, निम्न में से किसकी अम्लीय प्रकृति है, एसिडिक नेचर, फिर ब्रोमीन, द जनरल फार्मूला ऑफ एल्कलाइन इज, 39, 40, 43 है, 128 ग्राम SO2 में कितने मोल होते हैं, घनत्व की इकाई क्या होती है, यूनिट ऑफ डेंसिटी,
47, 48, 49, 50, सत्य या असत्य बताइए इसमें से, ये ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन पेपर काफ़ी लंबा हो जाता है तो इसको पूरे को यहाँ पढ़ना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने इसका जो पीडीएफ लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप इसको आराम से कर सकते हैं और साथ साथ भी इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। वो उसकी एफिशिएंसी पर डिपेंड करता है कि आप कितनी आपकी तैयारी है। ये केमिस्ट्री के क्वेश्चन ही चल रहे हैं, जल H2O में संयुक्त तत्वों के द्रव्यमान अनुपात की गणना करनी है इसमें 2:1। फिर अब बायो के क्वेश्चन आ गए हैं, बायोलॉजी के, ये सब देखिए मेरा सब्जेक्ट नहीं है बायो, तो आप इनको देख सकते हैं आराम से, खुद ही सॉल्व आपको करने पड़ेंगे ये। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप मुझे लिखिए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। सेवेंटी टू, सेवेंटी थ्री, टाइगर रिजर्व और उसके राज्य के बीच के सही मिलान को पहचानिए। सेवेंटी नाइन, एट्टी आ गया ये। बायो के जनरल क्वेश्चंस हैं ये। 89, 90, 91, 92, 93, 4, 5, 97, 100। और इसमें रफ काम के लिए अलग से हमारे पास ये पेज दिया होता है, उसमें आप अपना रेफर कर सकते हैं। स्टूडेंट अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं उसका सॉल्यूशन आपको देने की कोशिश करूँगी। आई एम डॉक्टर शशि त्यागी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।